किशोर जी एमपी हैं यहाँ से इस सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, शायद हुजूर थोड़ा लेट हो गए, आपको लगता नहीं है कि आप लेट हो गए हैं? इतने समय से 6 महीने से कोई भी मतलब नेता यहाँ पर नहीं आया, क्या इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग यहाँ पर आज सभी आपके पूर्व मंत्री भी पहुँचे, आप खुद भी दौरा करने पहुँचे? ऐसा है, जरूरत समझी गई तो तभी हम आए हैं। अब देखा होगा आपने कि आपके द्वारा भी जो कुछ कमियाँ थी उनको उजागर किया गया, लोगों की शिकायतें थी, और जैसा कि हमारे पूर्व मंत्री जो हैं श्याम जी, उन्होंने बताया कि कुछ डेथ जो हैं वो भी थोड़ा लग रहा था कि भाई हो रही है। तो इस सब को देखते हुए कि एक मीटिंग जो है मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, प्रिंसिपल के साथ की जाए, अगर कहीं हमारा कोई सहयोग चाहिए तो हम अपना सहयोग जो है वो पूरा का पूरा सहयोग जो है दें। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे पास 3 फार्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस इनके पास है, तो इनका सहयोग करने के लिए ही आज की जो मीटिंग थी वो रखी गई थी। सर जो मेरा सवाल था इसलिए यही था कि पूर्व 3 पूर्व हेल्थ मिनिस्टर आज आपके साथ यहाँ पर आए, आप खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन तब पहुँचे हैं जब 45 दिन में सर 150 से करीब जो मौतें हैं वो हो चुकी हैं और ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा है भैया। सर एक मिनट सवाल मैं पूरा कर लूँ। दूसरा सवाल ये है, आप यहाँ के सांसद रहे हैं, लगातार लोग गुहार लगा रहे थे कि सांसद जी नहीं दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लग रहे थे कि क्योंकि उस केंद्र में उनकी सरकार है, राज्यपाल जो एलजी साहब है उनके लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी उस तरह से नहीं मुस्तैदी दिखाएगी। आज रिव्यू मीटिंग जो हुई है इसमें क्या हुआ? ऐसा है, देखिए सारे लोग अपने तरीके से काम पर लगे हुए थे और काम कर रहे थे, पहले कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं कोई कमी है, लेकिन तो लोग कैसे मर गए अगर कमी नहीं थी? अब पता चला कि नहीं कहीं कोई कमी है, आपके द्वारा ये बात जो है वो सामने आई, लोगों ने भी बात की है। इसीलिए भैया ये आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ कल एक मीटिंग हुई अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, वहाँ पर हमारे ये सीनियर जो फार्मर मिनिस्टर्स हैं ये भी बैठे हुए, और ये तय किया गया कि हम मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का, डॉक्टर्स का, प्रिंसिपल साहब महोदय का सहयोग करने के लिए चले और देखें कि क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी आज बहुत अच्छे माहौल में जहां पर मीटिंग हुई है, जो कमियां थी उनको दूर करने का पूरा प्रयास जो है वो मेडिकल कॉलेज की तरफ से किया गया है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी पेशी रही भी है तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं बहुत जल्द 2 दिन के अंदर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिलने वाले हैं, और जो जहां पर कुछ कमी पाई गई है उसकी भी भरपाई करेंगे ताकि आने वाले दिनों में सर, कोई भी शिकायत जो है जहां पर नहीं रहे। मैं इसलिए आ रहा हूं। आपने आज मीटिंग की, आपने कोई और यहां पर दौरा किया? हाई डिपेंडेंसी यूनिट यहां पर बना हुआ है, यहां पर हमारे जो सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि 33 जो वेंटिलेटर है वो बंद पड़े हुए हैं। नहीं, 33 वेंटिलेटर बंद नहीं पड़े हुए हैं, यहाँ पर सारा सिस्टम वेंटिलेटर का ठीक चल रहा है और वेंटिलेटर अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि जो भी सर अवेलेबल मतलब बंद पड़े हुए तो अवेलेबल कहां से नंबर ऑफ अवेलेबल क्या है, ज्यादा है और हर एक पेशेंट को जो है, मैं ये कह रहा हूं कि वो वेंटिलेटर्स बंद हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वहां पर। अरे भैया आपने दौरा किया उसका? अब मैं आपके साथ बहस क्यों नहीं, वेंटिलेटर अभी भी वर्क नहीं कर रहे सर। चलो मैं यहां के जो सर यहां का नहीं, सवाल ये है कि वही मैं बात कर रहा हूँ भैया, अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए हमारी आज की मीटिंग थी। और दूसरा मैं कहूँगा ना, यहाँ के जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल साहब ये बताएंगे कि भैया क्यों अगर कोई खराब है तो कितने खराब। 40 साल वर्ष ज्योति प्रकाश की अपना मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट हुआ है और उनका ये आरोप है। सर नहीं सर सर प्रिंसिपल साहब से देखिए, प्रिंसिपल एक मिनट, प्रिंसिपल साहब से तो बात होती रहती है, प्रिंसिपल साहब बताते हैं कितने चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं। सर देखिए प्रिंसिपल साहब बताते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने एक लेटर लिखा था एलजी साहब को, उन्होंने तो हथियार डाल दिए थे, उन्होंने कहा कि मेरे से तो संभाला नहीं जा रहा, मुझे तो रिटायर कर दीजिए, उन्होंने तो ये उनकी चिट्ठी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्होंने कहा था, प्रिंसिपल साहब ने बोला था, यहीं पे हैं आप पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि वो प्रिंसिपल साहब जिनसे ये काम नहीं हो रहा, अगर नहीं संभाला जा रहा तो आप लोग आज प्रिंसिपल साहब से मिल रहे हैं, बकायदा आपको वार्ड्स में चेक करना चाहिए था। हाई डिपेंडेंसी यूनिट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने कहा हमें नॉलेज नहीं, आपको ऐसे वार्ड्स में जाना चाहिए था ना सर, या जहां पर लोगों को सुविधाएं मिलनी है, मीटिंग तो बाद में भी हो सकती है, फीडबैक के बाद ही हम जहां आए हैं, और पब्लिक जो फीडबैक दे रही है, जो मौतें हो रही है उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आपके द्वारा फीडबैक मिली है,
ये जानकारी मिली है। प्रेसिडेंट साहब का यहाँ पर टूर हुआ था, मैं खुद कोविड पॉजिटिव आया था, आज भी कोई इतनी सेहत तंदुरुस्त नहीं है क्योंकि इससे वीकनेस ज्यादा हो जाती है। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहूंगा, आप खुद पॉजिटिव आए थे लेकिन आप नारायणा चले गए थे, आपके अध्यक्ष जी भी आए थे, वहाँ का माहौल, वहाँ की सुविधा और यहाँ की सुविधा में क्या अंतर लगा? ऐसा है कि वहाँ पेशेंट कम जाते हैं, जहाँ पेशेंट जो है वो ज्यादा आते हैं और लोड बहुत ज्यादा है। अगर सर पुंछ से लेकर यहाँ तक जो है वो सारा का सारा लोड है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत दाद देनी होगी। यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं वो काम पर लगे हुए हैं, अपना रिस्क ले रहे हैं और वो अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। वो जूनियर 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 रेजिडेंट्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर कोई नहीं दिखता। और यहाँ पर चहेते जो सर हमने जम्मू संभाग लगातार खबरें चला रहा है, जो चहेते डॉक्टर्स हैं, कोई डोडा में बैठ के यहाँ पर कंट्रोल रूम को पूरा कर रहा है, हमने ऑडियो भी चलाया था दो डॉक्टर्स के बीच की जो बात थी, इन चीज़ों पर कभी कोई ध्यान नहीं गया। आज आप लोग आए, चलिए अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज़ समझी, लेकिन कोई कार्रवाई होगी? जो मौतें हुई है उस पर कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, कौन जिम्मेदार है? कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये जो आप हमें कह रहे हैं तो आज जो मीटिंग हुई इसका असर होगा। और हम आपको बताया कि दो तीन दिन में हमारी यहाँ पर पहले भी चल रही है, आपने भी कर ली, लेकिन नहीं हुई भैया। चलो आप लोग अच्छे हैं, आपका एक स्तंभ है, आप लोग अच्छा करते हैं, आप लोग लोगों को जागृत करते हैं, ये अच्छी बात है। तो हमारा काम है, लेकिन सुविधाएं देना तो अपना काम है ना। आपको सांसद बनाया, एक बहुत बड़ी बात है, आपको पब्लिक ने सांसद बनाया। जुगल किशोर शर्मा जी जो है, जुगल किशोर शर्मा जो हैं, उनका तो यही कहना है कि उन्होंने आज मीटिंग की है, हालांकि ये सिर्फ मीटिंग ही यहाँ पर हुई है, ना किसी तरह का कोई दौरा हुआ है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, आई जो बैंक है उसके पास साथ में ही 33 जो हमारे सूत्रों की खबर हमारे पास है, 33 जो बेड वेंटिलेटर जो यहाँ पर हैं वो बंद पड़े हुए हैं। और फिर किस चीज़ का ये दौरा है और किस वजह से, और ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने आज ये देखा है और इस मीटिंग के बाद दो दिन में आप देखिएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आखिर किस तरह से दो दिन में अच्छा होगा, हमें भी ये समझ नहीं आ रहा है। लगातार मरीज मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी है। ये मेडिकल कॉलेज ऐसा है, मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर इन्होंने कोई भी जो व्यवस्था थी ऑक्सीजन की वो नहीं कर पाए, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए पिछले 3 महीनों में, चाहे वो ये प्रिंसिपल हों या इनसे पहले जो प्रिंसिपल थे वो हों। लेकिन आखिर सवाल, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ जाई, पूर्व 3 मुख्य जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं उनके साथ यहाँ पर पहुँचे, इन्होंने बैठक की, आखिर इस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, क्या लोगों को सहूलियत कुछ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और नेताजी तो नेता ही हैं, क्योंकि उनके तो बयान अपने सियासी बयान होते हैं और सियासी बयान देकर वो चले गए। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद, नमस्कार।